दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में तकरीबन 40 करोड़ लोग सुबह उठते ही टूथपेस्ट का यूज करते हैं, और उनमें से 10 करोड़ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ के बारे में पता होता है कि कोई भी आप टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उसके अंदर फ्लूराइड नाम का एक तत्व होता है जिसके हमारे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपके टूथपेस्ट की वजह से आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लूराइड। जी हाँ दोस्तों, फ्लूराइड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि टूथपेस्ट में थोड़ा सा मिलाया जाता है। फ्लूराइड को दोस्तों थोड़ा सा दवाई भी माना जाता है और उसको थोड़ा सा कॉस्मेटिक के रूप में भी जाना जाता है। अगर फ्लूराइड को लंबे समय तक हम यूज करते तो इससे हमारे दांतों को मजबूती जरूर मिलती है, लेकिन फ्लूराइड किसी भी वजह से हमारे दांतों की सफाई नहीं करता। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट ने ये चीज़ साबित की हुई है कि फ्लूराइड एक धीमा जहर होता है, यानी कि स्लो पॉइजन के रूप में इसको जाना जाता है। अगर टूथपेस्ट के ऊपर आपको क्लियर लिखा हुआ होता है कि आपको टूथपेस्ट को यूज करने के बाद बाहर थूकना होता है, ना कि उसको अंदर निगलना होता है। अगर आप उसको अंदर निगलते हैं तो दोस्तों आपके दिमाग की जो नसें होती है वो कमजोर हो जाती है, आपका जो पाचन तंत्र है वो खराब हो जाता है, आपको हार्ट अटैक तक की दिक्कत हो सकती है, बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांतों की जो बड़ी परत होती है इनेमिल जिसको बोला जाता है वो भी खराब हो जाती है। और टूथपेस्ट के सबसे ज्यादा नुकसान छोटे बच्चों में देखे जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं टूथपेस्ट को यूज करने के बाद उसको अंदर अपने स्टमक में निकल लेते हैं। तो ऐसे में दोस्तों उनमें सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट इस चीज के देखे जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी टूथपेस्ट यूज करें तो 100% इस चीज को श्योर करें कि आपके टूथपेस्ट में फ्लूराइड है या नहीं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।